अहम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जब हम कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है तो हमें बातें सुनने को मिलती हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा शेराज अहमद शेराजी। जी शेराज जी बिल्कुल नौशीन जी, मतलब उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमारे तमाम तर मामला बैरूनी मुल्क में तय होते हैं, इसलिए हमने पाकिस्तान में 15 मिलियन मार्च और आखिर में आज़ादी मार्च किया, हमने अवाम में शऊर बिदार करने के लिए तहरीक चलाई। उन्होंने कहा कि हम हर वक्त आलमी एस्टेब्लिशमेंट के मोहताज होते हैं, हमारे दाखिला और खारजा पॉलिसी बाहर तय होती है। शौकत अजीज कहाँ से आए, हफीज शेख कहाँ से आए, मौजूदा हुकूमत के वजीर और मुशीर कहाँ से आए हैं, शहबाज पुलिस जुल्फी बुखारी नदीम भी जो है वो नेशनलिटी उनकी बाहर की है। सेनेटर अब्दुल हैदरी ने कहा कि हम सऊदी अरब के साथ भी अपने बेहतर ताल्लुकात जो है वो कायम न कर सके, सऊदी अरब हमारा बेहतरीन दोस्त था और उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों का साथ दिया है, मगर नाअहल और सेनेटर हुकूमत ने सऊदी अरब को भी नाराज कर दिया, हमारी खारजा पॉलिसी हमारी दाखिला पॉलिसी जो है उनको भी फाउदर रोन दिया है। मौलाना अब्दुल हैदरी ने कहा कि सेनेटर हुकूमत आने से हम जो है बुरी तरह फंस गए हैं और हमारे जितने भी मुल्क की हालात है वो यकीनन अबतर से अबतर होती जा रही है। जी रोशन, बहुत शुक्रिया शेराज, ये थी अब तक की ताजा तरीन मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए जेएनएन।